क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। इसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगा करके और ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम ये देख लेते हैं इसमें क्या कॉमन है, कौन सा किस में देखो सेम है। इसके अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3/5, तो यहाँ भी 3/5 सेम है। तो हम पहले इस वाले को लिख लेते हैं -2/3 -3/5। इतना लिखने के बाद में फिर इसको उतारेंगे, -3/5 -1/6 +5/2। ये वाला 5/2 हमने इधर लिख लिया और ये दोनों जो थे हमने यहाँ लिख लिए और ये जो शुरू में था इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो 3/5 था इसको हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ से 3/5 निकलने के बाद में ये बचेगा -2/3 और यहाँ से हमने 3/5 निकाल दिया ये, तो यहाँ से माइनस का 1/6 बचेगा। ये तो ये हो गया, आगे का 5/2 हमने ऐसे लिख लिया। अब इसमें क्या होगा, 3/5 ऐसे लिखेंगे और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा और 3 की टेबल 6 में पढ़ लेंगे, इसमें जाएगी 2 × 3 × 6। जब 2 जाएगी तो 2 से इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 आ जाएगा माइनस का। इसके बाद ये माइनस लगाएंगे ये वाला, फिर 6 की टेबल 6 में पढ़ लेंगे, 1 जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई फिर ऊपर करेंगे तो 1 × 1 आ जाएगा। ये आगे का 5/2 ऐसे ही चलता रहेगा। फिर यहाँ पर 3/5 को लिखेंगे, ये वाला 3/5 ऐसे ले लेंगे और देखिए इसमें क्या होगा, -4 और -1 इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये सेम साइन है, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर -5 5/6 आ गया ये नीचे का ऐसे ही, +5/2 ऐसे ही आ गया ये। अब इसमें क्या करेंगे, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या है, नीचे 2 आ गया, ऊपर माइनस का 1 माना जाएगा क्योंकि 1 बढ़ गया है, तो ये माइनस है, -1 की इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे -1 −1/2 लिख लेंगे, फिर +5/2 आगे का ऐसे ही आ जाएगा ये। अब देखिए ये 2 और 2 जब सेम है तो इन दोनों को हमें डायरेक्ट जो भी प्लस या माइनस है वो हो रहा है उसको कर लेंगे, तो डिफरेंट साइन है इसलिए हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो ये 4/2 आ जाएगा। जब ये 4/2 आएगा तो 4/2 का मतलब ये हुआ ये कट हो जाएगा, 4/2 हो करके ये फिर कट हो जाएगा, तो 4/2 लिख करके इसे कट कर लेंगे 2 तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आज देख लीजिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पर भी इसी तरह से सोचेंगे हम को कौन सा इसमें कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर 3/2 ये है 3/-7, इसमें अभी कुछ कॉमन हमको नहीं दिख रहा है, तो 3/ हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2 × 3 = 6 आ गया ये, 6/5 7 = 35 माइनस का 35 आ गया, माइनस के ये कितने आ जाएंगे यहाँ पे 3 × 3 और ये कितना आ जाएगा, इसे हम पहले कट कर लेते हैं यहाँ से 3 × 6 2 कट गया ये, तो माइनस के 1/4 आ जाएंगे, 2 × 4 माइनस के 1/4 ही आ गया, प्लस के 1/14 और इसे 14 को अभी और कट कर लेते हैं, 2 × 7 = 14 तो 1/35 7 × 5 = 35 तो ये आ जाएगा 1/1 कितना आ जाएगा 35 ये 1/35 आ गया ये। देखिए एक बार और समझ लेते हैं इसको, यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है ये 2 × 3 = 6 इसको हमने 6 लिख दिया और 5 × 7 = 35 लिख लिया, ये साइन इसका माइनस का आ गया, इसका जो हमने क्या इसे कट कर लिया 3 और 6 को, तो 3 × 6 2 कट गया ये, फिर ये 2 × 4 यहाँ पे लिख दिया हमने, ये माइनस लिख दिया, 1/35 कैसे आया, हमने 2 से इसको कट कर लिया, 2 × 7 = 14 और 7 × 5 = 35 ऐसे ये प्लस का यहाँ पर साइन था, तो प्लस का 1/35 इस तरह से आ गया ये, प्लस का 1/35। अब इसमें क्या करेंगे हम, इनका सबका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, पहले देखिए कैसे होगा, इनका 35 का 4 का और 35 का इनका एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे हम, 35 4 और 35 इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे इस तरीके से करके, 5 × 7 = 35 ये 4 ऐसे आ जाएगा, फिर 5 × 7 = 35 फिर 7 से कर लेंगे 7 × 1 और 7 × 1 फिर 2 से कर लेंगे 2 × 2 और ये ऐसे आ जाएगा, फिर 2 से कर लेंगे इसको 2 × 1 था, अब देखिए 1 × 1 आ गए, अब इन सबकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए यहाँ से चलेंगे 2 × 4 और 4 × 7 = 28 28 को 5 से कर लेते हैं,
तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, 5 8 द 40 कैरी 4 और 5 2 द 10 14 हो गया, 140 140 इज द एलसीएम। 140 को यहाँ लिख लेंगे और देखिए इसकी 35 की टेबल इसमें पढ़ेंगे, यानी इसे डिवाइड करेंगे, 140 को 35 से डिवाइड करेंगे। 140 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम चलेगा, ये 4 टाइम चलेगा, 3 4 द 12 ये 4 टाइम चलाएंगे यहाँ पर, तो 4 टाइम में 4 5 द 20 कैरी 2 और 4 3 द 12 और 2 14, इस तरह से ये 4 टाइम चल गया। ये जो 4 टाइम आया इसको डिवाइड करने के बाद में, तो उसकी 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 द 24 ये आएगा माइनस का, ये जो माइनस का साइन है हमने इसके साथ लगा रखा है। अब देखिए इसे 4 की टेबल इसमें पढ़ेंगे, यानी 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 140 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 द 12 और फिर 4 5 द 20, तो अब यहाँ पर आ गया 35। 35 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 ही रहेगा, अब ये प्लस लगा दिया हमने, 35 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा और 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या आएगा इसमें, देखिए दोनों माइनस के साइन है तो पहले इन दोनों को हमें प्लस करना होगा, 5 और 4 9 और 3 और 2 5, माइनस 59 प्लस 4 अपॉन 140। अब क्या करेंगे इसमें, ये दोनों फिर डिफरेंट साइन होंगे तो इन्हें माइनस कर लेंगे, 9 में से 4 तो ये आ गया 5 और ये 5 ऐसे ही आ गया 140। अब ये देखिए इसे हम मिनिमाइज करेंगे तो ये 5 से कट हो रहा है, 5 1 द और फिर 5 1 द 11 टाइम तो ये कट गया और 5 2 द 10 5 8 द 40, तो इसका आंसर आ गया माइनस 11 अपॉन 28, इस तरह से ये माइनस हमने यहाँ लगा दिया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या चीज होती है, यानी हम उसमें क्या चीज प्लस करें कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2/8 लिखा हुआ है, तो अगर हम 2/8 के अंदर यहाँ लिख के बताते हैं हम आपको, 2/8 के अंदर हम प्लस कर दें -2/8 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/8 ये माइनस, जब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर 2/8, तो इससे ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, इसको हम ऐसे कट भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपली इसका जो आंसर आया ये निकल गया है -2/8, यानी हमने प्लस इसमें क्या किया, 2/8 में हमने क्या प्लस किया, -2/8 प्लस करने पर इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। तो इसका मतलब सिंपल साइन चेंज करना होगा, 2/8 का साइन प्लस था तो हमने -2/8 कर दिया, तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर आ जाएगा -2/8, माइनस कर देंगे। अब देखिए जहां माइनस होगा ऑलरेडी तो उसको प्लस कर देंगे, तो इसका 5/9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका आ जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ये, तो ये प्लस का माना जाएगा, ये प्लस का 6/5 माना जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/5 आंसर। देखिए ये जो दो साइन थे ना माइनस माइनस के, इसको हमने कट कर लिया माइनस से माइनस, तो अब ये 6/5 बचा जो कि प्लस का माना जाएगा, तो प्लस का जब हम इसको मानेंगे तो जब इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो माइनस का लिखेंगे। इसके बाद में ये माइनस का है ऑलरेडी तो हम इसे प्लस का कर देंगे 2/9, फिर देखिए इसका कर देंगे, ये भी माइनस है तो इसका कर देंगे प्लस का 19/6 आंसर, ये देखिए 19/6 आंसर हो गया इसका। इस तरह से दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अभी हमारी 8th क्लास की मैथ है एनसीईआरटी की, वो हमारी स्टार्ट हो गई है, और देखिए मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको पता चल जाएगा आपको। थैंक यू।